हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, अदानी ग्रुप का और एक मल्टीबैगर शेयर अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, उसमें एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है जिससे शेयर आने वाले दिनों में अच्छा रनअप दिखा सकता है। अदानी विलमर ने तो सबको मालामाल कर ही दिया है और अदानी पोर्ट ये भी एक शेयर काफ़ी अभी न्यूज़ में रहने वाला है और उसके ऊपर एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है, उसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। आप में से कितने लोग अदानी पोर्ट के शेयर को होल्ड करते हैं या ट्रैक करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, आपके पास कितने शेयर हैं और क्या रेट में आपने लिए हुए हैं। फ्रेंड्स, ये कंपनी जो लोग नहीं जानते बता दूं कि ये कंपनी 12 जो शिपिंग पोर्ट्स होते हैं उसको ऑपरेट करती है और उनका ऑपरेशन से इनको काफ़ी अच्छा रेवेन्यू मिलता है और इनके पास 5 बड़े बड़े लॉजिस्टिक पार्क है, गुजरात में, कर्नाटक में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में। तो ये लॉजिस्टिक पार्क का भी इनको बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है। ये कंपनी जो पोर्ट्स होते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के जो सी पोर्ट होते हैं उनको डेवलपमेंट ऑपरेशन का काम करती है और आप जानते हैं कि दिन ब दिन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ इकोनॉमी है, तो ये खुद वो पोर्ट्स को लीज पे लेके रखा है और खुद ही वो डेवलप किया है मुंद्रा पोर्ट जैसे बड़े एक्टिव पोर्ट को और उसका फ़ायदा कंपनी को लगातार मिल रहा है। इस कंपनी ने एक बड़ा एक्विजिशन किया है, उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल इन शॉर्ट। फ्राइडे को इसका जो रेट था 874 रुपीज़ था, 52 वीक हाई था 901 रुपीज़, तो ऑलमोस्ट 52 वीक हाई के आसपास ही शेयर जाने की कोशिश कर रहा है और नए ब्रेकआउट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। इसका पी है 34 का जो कि रिजनेबल पी पे मिल रहा है। ईपीएस है 25 का जो कि वो भी अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो इज 1.40, डेट थोड़ा ज़्यादा है बट ये इन्वेस्टमेंट बहुत हैवी होती है पोर्ट डेवलपमेंट में, इसीलिए कोई उसमें कोई डरने की बात नहीं है। प्रोमोटर होल्डिंग इज 66% जो कि स्ट्रांग है। FII के पास है 14% एंड DII के पास है 15%। तो अगर आप देखोगे तो FII DII मिला के 30% है और प्लस प्रोमोटर के पास है 66%, तो पब्लिक के पास बहुत ही कम शेयर बच जाता है इस कंपनी का। अगर आप बात करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर रिजल्ट की, तो दिसंबर 20 में इसका प्रॉफिट था 1565 करोड़, सितंबर 21 में इसका प्रॉफिट था 954 करोड़ एंड दिसंबर 21 में इसका प्रॉफिट था 1472 करोड़। क्वार्टर फोल्ड इससे अच्छा आने की उम्मीद है। क्वार्टर फोल्ड अगर 1600 से 1500 के रेंज में आया करोड़ के, तो ये शेयर आपको आने वाले दिनों में 1200 से 1500 के लेवल भी दिखा सकता है। अब बिग न्यूज़ क्या निकल कर आई है, तो अदानी पोर्ट जो कंपनी है उसके जो सब्सिडरी है अदानी हार्बर सर्विसेज 100% सब्सिडरीज है, तो अदानी हार्बर सर्विसेज ने एक्वायर किया है ओशन स्पार्कल लिमिटेड को, जो कि 100% स्टेक बाय कर लिया है ओशन स्पार्कल ये कंपनी को, मतलब पूरा खरीद लिया है अदानी पोर्ट ने। मतलब ये कंपनी करती क्या है, तो इनके पास 94 खुद के वेसल्स है, शिप है, 94 ओन वेसल्स है, शिप्स है और वो उससे उनका रेवेन्यू होता है। तो ये जो शिप्स होती है ये आप जानते हैं काफ़ी यूज़ होती है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के जहाज होते जो है, तो 94 ऑलरेडी इनके पास शिप्स है और 13 थर्ड पार्टी शिप्स भी इनके पास है। ओशन स्पार्कल के पास ये एक शिपिंग कंपनी है, उसको टेक ओवर कर लिया है अदानी पोर्ट ने। और फ्रेंड्स, आप देखिए ये जो डील हुई है 1530 करोड़ में इन्होंने इस कंपनी को ख़रीदा है, तो इसका फ़ायदा क्या होगा आने वाले दिनों में, ओशन स्पार्कल का जो रेवेन्यू और प्रॉफिट है वो अदानी पोर्ट के प्रॉफिट में ऐड किया जाएगा, तो आने वाले क्वार्टर में और भी हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा रेवेन्यू में और प्रॉफिट में। इसीलिए जो लोग लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखते हैं, अदानी ग्रुप एक वन ऑफ द बेस्ट इमर्जिंग और बहुत स्ट्रांग ग्रुप है। अभी अंबानी के कंपटीशन में यही एक ग्रुप है भारत में जो कि लगातार ऊपर जा रहा है, तो इसीलिए अदानी पोर्ट भी एक शानदार शेयर हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप बाय ऑन डिप्स के स्ट्रैटेजी से थोड़े थोड़े शेयर ऐड करते रह सकते हैं अदानी पोर्ट के, जो कि फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है, क्योंकि भारत में इंपोर्ट एक्सपोर्ट और पोर्ट का जो इंपॉर्टेंस है कम होने वाला नहीं है, दिन ब दिन उल्टा बढ़ ही रहा है, इंपोर्ट भी बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, तो इसीलिए इसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, अभी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। तो जो फ्यूचरिस्टिक नज़रिया रखते हैं थोड़ा बहुत शेयर इसके बाय करके आप रख सकते हैं टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म आफ्टर योर स्टडी। थैंक यू फ्रेंड्स।